नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थोरिया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ की तरफ से विकसित की गई कोरोना के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवा 2DG बाजार में उतार दी गई है। इस दवा की दूसरी खेप निर्माता डॉक्टर रेड्डीज लैब ने जारी कर दी है। इस दवा के एक पैकेट की कीमत 990 रुपये रखी गई है। सरकारी अस्पताल, राज्य और केंद्र सरकार इस दवा को डिस्काउंट पर मरीजों को उपलब्ध कराएंगी। आपको बता दें, इस खेप में 2DG दवा के 10,000 पैकेट जारी किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक अब ये दवा बाजार में भी उपलब्ध है। कोविड-19 की दूसरी लहर से देश में जारी संघर्ष के बीच DRDO की तरफ से विकसित की गई कोविड-19 रोधी दवा 2DG की पहली खेप 17 मई को जारी की गई थी। DRDO के अधिकारियों के मुताबिक मेडिसिन व्यावसायिक रूप से उपलब्ध होगी। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के जरिए गंभीर कोरोना वायरस रोगियों में एक सहायक चिकित्सा के रूप में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए इस दवा को मंजूरी दे दी गई है। केंद्र का कहना है कि DRDO की तरफ से विकसित दवा 2DG कोरोना के मरीजों के इलाज में काफी उपयोगी होगी। इस दवा को ऐसे समय में मंजूरी मिली है जब भारत कोरोना महामारी की दूसरी लहर की चपेट में है और देश के स्वास्थ्य ढांचे पर इसका काफी बुरा असर पड़ा है। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में कहा था कि DRDO की दवा से लोगों की जान बचाई जा सकती है। ये मरीजों के इलाज में मदद करेगी जिससे अस्पताल जाने की नौबत नहीं आएगी। आपको बता दें, हैदराबाद में डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज के सहयोग से DRDO की प्रयोगशाला इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज ने मेडिसिन को एंटी कोरोना मेडिकल इस्तेमाल के लिए विकसित किया है। ये दवा एक पाउच में पाउडर के रूप में मिलती है जिसे पानी में घोलकर मरीजों को दी जाती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।